वेलकम टू माय चैनल रिकेटिक और मेरे खास दोस्तों, आज की स्टूडियो में आप लोगों को इस तरह की वीडियो बनाने का सारी तरीका दिखाता हूं। आप लोगों को बहुत सारे लिंक वीडियो इस तरह के दिखाई देते हैं टिकटॉक पर। बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, अपने जेब में आईफोन रखते हैं या इस तरह के हाथ में आईफोन को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के कैसे बनाने, वीडियो कैसे सेट कर देना है, मैं आप लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि आप लोगों को सारा तरीका समझ आ जाए। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बाहर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरिफिटिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन भी लाजमी दबाए ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी पहुंचे। तो आप लोगों ने इस तरह की वीडियो कैसे बनाना है, जेब में आईफोन रखना है या आपने हाथों में कोई भी मोबाइल फ़ोन को लेकर उस पर आईफोन की कवर लगा सकते हो, बहुत ही आसान बहुत ही ईजी है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चले तो दोस्तों, जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और वहां पर आप लोगों को सारा तरीका समझा देता हूं। तो चले दोस्तों, जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आइए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पिक्सार्ट ऐप पर जाना है, पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे एडिटिंग कर देना है। तो ये देख सकते हो हमारा पिक्सार्ट ऐप जो है ना वो ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को सारे के सारे एडिटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो जाए। तो ये देख सकते हो हमारा पिक्सार्ट ऐप जो है ना ये ओपन हो चुका है। आप लोगों ने सिंपली प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने अपने सियाल फोटो पर क्लिक कर देना है ताकि आपके जितने भी पिक्चर हैं आपके गैलरी जो है ना ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक अपने पिक्चर को रखे हुए हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारे अपने कुछ पिक्चर हैं, तो इससे मैं एक पिक्चर को ले लेता हूँ और उसमें मोबाइल रखने का तरीका बताता हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरह स्क्रॉल कर देना है और थोड़ा से नीचे जाना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक हमारा पिक्चर है जिसमें मैंने पहले से लगाया था, तो यही पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत साफ आया है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्टिकर नीचे आप लोगों को दिखाई देता है स्टिकर, तो स्टिकर पर क्लिक कर देना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद एक मिनट में डाटा को ऑन कर देता हूँ। स्टिकर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर के साइड में सर्च बटन दिखाई देता है, तो इस पर सर्च कर देना iPhone 11। तो आईफोन 11 को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास बहुत सारे आईफोन मोबाइल के जो स्टिकर होते हैं ना ये आपके पास आ जाएगा। जो भी आप लोगों को पसंद हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट करें मैं एक जो भी हो मैं ये तीसरे नंबर पर जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तो शायद मैंने एक कोई और सेलेक्ट कर दिया, लेकिन ठीक है अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसे मैं कॉट कर देता हूँ। चलो तो इसे मैं कट कर देता हूँ, मैं दूसरा सेलेक्ट करता था लेकिन गलती से मैंने यही सेलेक्ट कर दिया। तो दोबारा स्टिकर पर जाता हूँ मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला आईफोन जो है ना ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हो ये सेलेक्ट हो गया गोल्ड कलर के, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अपने पिक्चर पर जूम करो उंगली की मदद से और जेब आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो जेब में फिट आप लोगों ने इस तरह के सेट कर देना है। तो ये आपका जेब जो है ना ये चुप हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा इसका कवर खत्म कर देना है। आप जेब पर सही से हम लगाते हैं। लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर आप लोगों को एक ब्रश का ऑप्शन दिखाई देता है, तो सिंपली ब्रश पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यह इस पर क्लिक कर देना है और उंगली की मदद से आप लोगों ने इसको इस तरह के ये जो जेब के जो अंदर का हिस्सा है ये जेब में जो अंदर जाता है इसको आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप लोग इसको इसी तरह के सेट कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा इस तरह सेट कर दिया तो अच्छा हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसको कट कर दिया, ये रिमूव हो चुका है। अब आप लोगों ने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करने के बाद इस वाले को बढ़ा देना है। तो ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लगता है, जैसे कि ओरिजिनल ही हमारे जेब में आईफोन पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने भी इस तरह बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के आप लोगों ने बढ़ा देना है। अगर आप लोग इससे टिकटॉक पर वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हो टिकटॉक पर भी बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों ने ये जो जितने भी आप लोग एडिटिंग करते हो उससे आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना है और फिर टिकटॉक पर जहां पर भी आप लोग अपलोड करना चाहते हो अपलोड कर सकते हो। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर बनाया,
इस तरह के बनते हैं, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल। ये थे जितने भी जूम करें, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल हमारे जेब में आईफोन पड़ा हुआ है। तो ऊपर आप लोगों ने टिक के बटन पर क्लिक कर देना है और सिंपली इस तीर पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है ना आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।